देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिकनाडी में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि कैलाश यादव और आस पड़ोस के कुछ गणमान्य जो व्यक्ति हैं उनके साथ हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत कोडरमा संसदीय क्षेत्र की जो चुनावी सरगर्मियां हैं उसका जायजा लेने के लिए बात करते हैं कैलाश यादव से, जो कि मुखिया प्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ ये जेएमएम के एक जमीनी स्तर के नेता भी हैं। बात करते हैं कैलाश यादव जी से। कैलाश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो कोडरमा संसदीय क्षेत्र में कितना मजबूत स्थिति में है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गठबंधन कोडरमा लोकसभा में हम लोग जो देख रहे हैं वो अभी के स्थिति में काफी मजबूत है, क्योंकि पिछले दिनों जिस उम्मीद के साथ लोगों ने मैडम अन्नपूर्णा देवी को वोट दिया था, थोक के भाव में वोट दिया था, उस पर वो खरा नहीं उतर सके। ये देखने की चीज है कि आप इस इलाके में कहीं पर भी जाकर के देखें तो सांसद के द्वारा कोई विकास का काम नहीं किया गया। लगातार यहाँ के लोग उनसे मांग किए विकास के सवाल पर, तालाब उलाब का जो काम कराना था, लेकिन किसी ने अनुशंसा नहीं किए। कल जो विनोद सिंह का नामांकन हुआ है, कैसा रहा नामांकन? नामांकन बहुत बेहतरीन रहा। इलाके के चारों तरफ से सभी जाति धर्म के लोग एकत्रित हुए और सभी लोगों ने संकल्प लिया वहां पर कि इस बार हर हाल में कोडरमा लोकसभा से इंडिया गठबंधन के विनोद कुमार सिंह को भारी मतों से जीत दिलाना है। चूंकि विनोद सिंह इस मायने में खरे उतरते हैं इलाका में कि वो तीन तीन बार बगोदर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कर रहे हैं, और तीन बार में आप और यहाँ के सांसद विधायक का उनसे जब मुकाबला करेंगे तो उनके सामने इधर के नेता कहीं टिक ही नहीं पाते। इस बार का चुनाव जो है वो काफी रोचक और दिलचस्प है। क्या विनोद सिंह जो है वो अन्नपूर्णा देवी को शिकस्त देकर सांसद बन पाएंगे? निश्चित तौर पर बनेंगे। उनका काम बोल रहा है, हम लोग जहां भी जाते हैं लोग बोलते हैं विनोद सिंह के ऊपर विरोधी पार्टी भी उंगली नहीं उठा पा रहा है। यही तो उनकी बड़ी काबिलियत है और खासियत है। हम लोग खास करके कोडरमा लोकसभा के लिए कहेंगे कि यह बहुत ही सौभाग्य वाली बात है कि विनोद सिंह जैसे बेदाग छवि और विकास पुरुष संघर्षशील नेता हम लोग को मिला है, जिसमें जो लोग काम कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी लग जाना चाहिए विनोद सिंह के पक्ष में उनको जिताने के लिए। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर भाकपा माले के भी एक स्थानीय नेता उपस्थित हैं, आइए उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कैसा माहौल है क्षेत्र में आप लोगों का? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से क्रांतिकारी अभिवादन, तमाम लोगों को जोहार। अभी इंडिया गठबंधन के तहत कोडरमा में लोकसभा उम्मीदवार कॉमरेड विनोद सिंह को उतारा है और विनोद सिंह भले बगोदर का प्रतिनिधित्व रहे लेकिन वो पूरे झारखंड और खास करके पूरे कोडरमा गिरिडीह के इलाके के जब भी किसी प्रवासी मजदूरों की घटना दुर्घटना हुई तो कोई शख्स थे तो वो विनोद सिंह थे जो सबसे पहले दौड़ के आए और उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले, उनका जो सहायता हो उसके लिए सदन के अंदर भी आवाज उन्होंने उठाया। और इसका कई एक उदाहरण जो हमारे इलाका में है, हम लोग देखे जमुआ में ही प्रदीप पासवान को स्थानीय दरोगा के द्वारा जब गोली मार दिया जाता है तो माले के कार्यकर्ता पूरी रात दरोगा पर अभ्यार कराने के लिए संघर्ष सड़कों पर करते हैं और कॉमरेड विनोद सिंह विधानसभा में सवाल उठाते हैं और आज 5 लाख रुपया जो है प्रदीप पासवान के पत्नी को जो है सहायता मिला। उसी तरह से लॉकडाउन के टाइम में हम लोग देखे कि पूरे जो है नेता मंत्री सारे लोग जब घर में दुबके हुए थे तो हमारे इसी चौक के बगल में कुलडिया में नरेश पंडित का मुंबई में हत्या हो जाता है और चार चार दिन तक लाश पड़ा रहता है। जब केदार हजरा जो स्थानीय विधायक थे उनके पास लोग गए और वो जब कोई सुनवाई नहीं किए तो हमें बुलाया और हमने जो है पहल लिया कॉमरेड विनोद सिंह से बात करने पर, पाइपलाइन जो है हेमंत सरकार के निर्देश पर जो है उस बॉडी को मंगाया गया, आर्थिक रूप से सहायता उस समय दिया गया और अभी 1 लाख रुपया फिलहाल जो उनका मुआवजा जो प्रवासी मजदूर। चुनाव जीत पाएंगे विनोद सिंह इस बार? इस बार पूरे सभी जाति समुदाय के लोग जो है
ये ठान लिया है कि कोटमा से जो कॉमरेड विनोद सिंह को दिल्ली भेजा जाए, संसद में भेजा जाए, ताकि वो और बेहतर तरीके से कोटमा के जो ढिबरा और प्रेशर जैसे उद्योग हैं जो ठप पड़ा हुआ है, इस पर कोई नीतियां बनाने के लिए जोरदार आवाज उठाए। यहाँ से लाखों मजदूर जो गिरिडीह और कोटमा से मुंबई, सूरत, गुजरात के लिए जाते हैं, जिसके लिए एक भी ट्रेन की व्यवस्था आज तक नहीं किया गया। सारे लोग बसों में गर्मी के दिन में जो ठूस के जाते हैं, तो इसके लिए वो कोई जोरदार पहल लें और उनका पहल से लोगों को फायदा होता है, ये लोग महसूस करते हैं। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ देवरी प्रखंड से JMM और भाकपा माले के दो प्रखंड स्तरीय नेता जुड़े थे, जो कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र में विनोद सिंह की जो स्थिति है मजबूत, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कोडरमा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो ये एक हाई प्रोफाइल सीट शुरू से रहा है। आरंभ में मुकाबला द्विपक्षीय लग रहा था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जब से ताल ठोका है प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने, तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन विभिन्न पार्टियों के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उनके विभिन्न और भिन्न भिन्न दावे हैं। आने वाला समय बताएगा कि कौन चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद कोडरमा संसदीय क्षेत्र का बनता है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, और भी लोगों से आपको मिलवाएंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाएंगे। धन्यवाद।